हेलो फ्रेंड्स खुशी नीटिंग क्रिएशन में आपका स्वागत है देखिए फ्रेंड्स आज फिर हम एक जैकेट बनाकर लेकर आए हैं और ये जैकेट हमने कैसे बनाई है वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और देखिए ये जैकेट हमने थर्टी सिक्स टू थर्टी एट चेस्ट के लिए बनाई है और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमने इसे एक ही रो में बनाकर कर कम्प्लीट किया है इसमें हमने कोई भी सिलाई नहीं की है देखिए इस तरह से हमने एक ही रो में बनाकर इसे कम्प्लीट किया है देखिए इस तरह से और देखिए इसमें हमने इसी पैटर्न में हमने एक और कार्डिगन बनाया हुआ है जो हमने गले से बनाना स्टार्ट किया था सेम पैटर्न है वो भी अगर आप चाहें तो आप वैसे भी बना सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपको नीचे से स्टार्ट करनी है तो आप ये वाली जैकेट बनाना और वो जैकेट भी बहुत ही प्यारी बनी है एक बार आप ज़रूर देखिएगा और बनाइएगा देखिए ये जैकेट हमने स्त्री प्लाई की वूल से बनाई है जिसके अंदर ये देखिए तीन धागे होते हैं तो इसके लिए हमने यहाँ पर 175 चेन ली है और अगर आप इस वूल से बनाएंगे देखिए ये थोड़ी पतली वूल होती है इससे अगर आप बनाएंगे तो इसमें आप 183 चेन लेना उससे ये हमारा 36 सिक्स टू थर्टी एट साइज बन जाएगा तो हम इससे बनाएंगे तो हमने इसमें 175 चेन ली है उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये पसंद आएगा तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं देखिए हमने ये यहाँ से स्टार्ट की है और इसमें हमने देखिए इस तरह से पांच डबल क्रोशिया हमने बटन पट्टी के रखे हैं फिर हमने यहाँ पर ये एक उल्टी भी और फिर हमने ये सीधी रो बनाई है इस पैटर्न में हम सिर्फ दो ही रो बार बार रिपीट करेंगे देखिए एक दो ये दो हम बार बार रिपीट करते रहेंगे जो हमने ये वी बनाई है वी के बाद हम ये पांच डबल क्रोशे की रो बनाएंगे और पांच डबल क्रोशे के ऊपर हम वी बनाएंगे इस तरह से देखिए हमारा ये पैटर्न बनेगा बहुत ही आसान हमारा पैटर्न है और बनने के बाद बहुत ही प्यारा बनता है देखिए हम इस वुल से वाइट वुल से बनाना स्टार्ट करेंगे और जिसके अंदर देखिए ये तीन धागे होते हैं इससे हम बनाएंगे और यहाँ पर देखिए हमने देखिए ये नाइन नंबर का हमने क्रोशिया हुक लिया है तो चलिए बनाते हैं इस तरह से लूप बनाएंगे और चेन बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस देखिए ये दस चेन बनाई है यहाँ पर चेन हम ना ज़्यादा टाइट बनाएंगे ना ज़्यादा लूज़ बनाएंगे देखिए इस तरह से बनाएंगे और यहाँ पर हम वन सेवेंटी फाइव चेन बनाकर कंप्लीट करेंगे देखिए ये हमने 175 चेन बना ली है अब हम इसमें एक चेन और बनाएंगे 176 चेन बनाएंगे एक चेन एक्स्ट्रा बनाई अब हम जो चेन बनाई है इसे हम स्किप करेंगे और सेकेंड चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे ये देखिए हमने एक बार सिंगल क्रोशिया किया एक फिर से बनाएंगे दो फिर से बनाएंगे तीन चार पाँच देखिए पांच सिंगल क्रोशिया हम बनाए बनाए हैं जो ये हमारे बटन पट्टे के होंगे और अब हम पांच बनाएंगे वो हमारे पैटर्न के होंगे तो एक हमने बना लिया दो तीन चार पाँच देखिए टोटल हमने यहाँ पर दस सिंगल क्रोशिया बनाए हैं अब देखिए यहाँ पर हम तीन चेन बनाएंगे एक दो तीन तीन चेन बनाई है नीचे से तीन चेन स्किप करेंगे एक दो तीन और फोर्थ चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से एक बार बनाया फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे दो फिर से बनाएंगे तीन फिर से बनाएंगे चार फिर से बनाएंगे पांच पांच बार हमने ये सिंगल क्रोशिया किया देखिए तीन चेन ली थी और नीचे से तीन चेन स्किप की है और फिर हमने हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया किया है तो ये पांच बार हमने सिंगल क्रोशिया किया है अब फिर से तीन चेन बनाएंगे एक दो तीन नीचे से तीन चेन स्किप करेंगे एक दो तीन और फोर्थ चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे अब हम पाँच बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ये दो हो गया फिर से बनाएंगे ये तीन फिर से बनाएंगे चार पाँच देखिए पाँच बार हो गया एक दो तीन चेन बनाएंगे एक दो तीन चेन स्किप करेंगे और फोर्थ चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो इस तरह से देखिए बनाते हुए हम अपना पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे देखिए इस तरह से देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है लास्ट में भी हमारे पास ये दस सिंगल क्रोशिया बनकर आए हैं देखिए यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और एक ये दस दस सिंगल क्रोशिया हमारे लास्ट में आए हैं और यहाँ पर देखिए लूप हमारे कितने बने हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस बीस हमारे पास ये लूप बनकर आए हैं जिसके अंदर हम पैटर्न बनाएंगे तो अब हम यहाँ पर हम पहले इसमें तीन चेन बनाएंगे एक दो तीन तीन चेन बनाई है टर्न करेंगे और हम यहाँ पर नेक्स्ट चेन के अंदर देखिए इस होल में हम चेन नहीं बनाएंगे नेक्स्ट चेन में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर हमारी ये जो हमने थ्री की चेन बनाई थी वो हो गई फिर हमने डबल क्रोशिया बनाया ये दो हो गया फिर से बनाएंगे ये तीन फिर से बनाएंगे चार पाँच देखिए पांच डबल क्रोशिया हमने बना लिया है अब यहाँ पर हमारे पास देखिए एक दो तीन चार पाँच पांच हमारे पैटर्न के लिए है सिंगल क्रोशिया बचा है तो अब हम यहाँ पर दो चेन बनाएंगे एक दो धागा लेंगे और हम छठी चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे वो हम हाफ़ बनाएंगे देखिए इस तरह से थोड़ा लूज रखेंगे और हम यहाँ पर हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे धागा लेंगे एक दो तीन चेन छोड़ेंगे और फोर्थ चेन के अंदर हम यहाँ पर फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये तीन लूप्स हो गए अब हम इन तीनों में से एक साथ निकाल देंगे अब हम इसमें दो चेन बनाएंगे एक दो धागा लेंगे और जो हमने ये तीन चेन बनाई थी इसके अंदर हम पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन चार पांच देखिए इस तरह से हमारा ये पैटर्न बना है पांच डबल क्रोशिया बना लिया एक दो चेन लेंगे धागा लेंगे जो हमारी ये फर्स्ट सि, हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके अंदर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर धागा लेंगे जो हमारा लास्ट है इसमें हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया तो बीच में हमारे पास तीन चेन रह जाएंगे तो हम लास्ट में हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे फिर हम दो चेन लेंगे धागा लेंगे और यहाँ पर हम पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच पाँच हो गए एक दो चेन लेंगे फिर से हम पहले सिंगल क्रोशिया के अंदर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर हम लास्ट में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया और इन तीनों को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे इस तरह से एक दो चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए इस तरह से तो हम सेम ऐसे ही बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर जो हमारे लास्ट लूप था उसके अंदर हमने पांच डबल क्रोशिया बना लिया है और देखिए इस तरह से हमारा ये पैटर्न बना है अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दस सिंगल क्रोशिया हैं अब हम इनमें यहाँ पर हमने दो चेन लिए धागा लेंगे और जो हमारी फर्स्ट चेन है इसके अंदर हम यहाँ पर हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से हाफ बनाया फिर हम धागा लेंगे एक दो तीन चेन छोड़ेंगे और फोर्थ चेन के अंदर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से अब हम इन तीनों लूप्स को एक साथ कंप्लीट करेंगे इस तरह से फिर दो चेन बनाएंगे धागा लेंगे और अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक दो तीन चार और पाँच पांच सिंगल क्रोशिया बचे हैं इनके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे जहाँ पर अब हमने ये बनाया है हाफ डबल क्रोशिया साथ में ही हम बनाएंगे तो यहाँ पर हमने देखिए वन डबल क्रोशिया बना लिया है एक दो तीन चार पाँच देखिए पांच डबल क्रोशिया बना लिया एक दो तीन चेन लेंगे टर्न करेंगे अब हम इन पांचों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे देखिए ये पहला हमारा होल है इसके अंदर हम डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने ये थ्री की चेन बनाई है नेक्स्ट होल में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे ये बन गए दो तीन चार पाँच पाँच हमने बना लिया अब देखिए हम यहाँ पर कोई भी चेन नहीं लेंगे धागा लेंगे और जो ये हमारी वी है इसके नीचे से देखिए इस तरह से इसके अंदर हम क्रोशिया हुक डालेंगे और धागा लेंगे और, और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे एक डबल क्रोशिया बना लिया है अब हम यहाँ पर एक दो तीन चेन लेंगे धागा लेंगे और फिर से हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए इस तरह से वी के ऊपर हमने वी बना ली है बीच में हमने तीन चेन ली है अब फिर हम ये जो हमने पांच डबल क्रोशिया बनाया था इनके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे लेकिन हम यहाँ पर चेन नहीं बनाएंगे देखिए चेन नहीं बनाई है धागा लेंगे और पांच डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच पाँच हमने बनाए फिर से हमें यहाँ पे चेन नहीं लेनी है धागा लेंगे और जो ये वी है हमारे इस वी के अंदर से देखिए इस तरह से हम धागा निकालेंगे और बनाएंगे एक डबल क्रोशिया फिर हम यहाँ पर एक दो तीन चेन लेंगे धागा लेंगे और यहाँ पर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर हम देखिए धागा लेंगे और पांच डबल क्रोशिया के ऊपर हम पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए इस तरह से इस तरह से हमारा ये पैटर्न बनेगा राउंड बनाकर कंप्लीट करेंगे देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है अब हम यहाँ पर फिर से आ गए हैं एंड में यहाँ पर हम धागा लेंगे और इस वी के अंदर से देखिए इस तरह से धागा निकालेंगे वन डबल क्रोशिया एक दो तीन चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर धागा लेंगे और हम यहाँ पर ये जो पांच डबल क्रोशिया हैं इन्हें हम बना लेंगे इस तरह से देखिए पांच डबल क्रोशिया हमने दोनों साइड से बना लेके कंप्लीट किया है अब हम इसमें धागा लेंगे और यहाँ पर जो हमने तीन चेन बनाई थी इसके अंदर हम पांच डबल क्रोशियाँ बनाएंगे देखिए इस तरह से एक बार बनाया फिर से बनाएंगे दो तीन चार पाँच देखिए पांच बार डबल क्रोशिया हमने बना लिया अब हम यहाँ पर दो चेन लेंगे एक दो दो चेन लेनी है अब देखिए हमें ये वाला पार्ट बनाना है जो हमने पहले स्टार्टिंग की थी तो यहाँ पर हमने दो चेन लिए यहाँ पर भी हमने दो चेन ली थी यहाँ पर भी दो चेन ली है धागा लेंगे पहले चेन के ऊपर देखिए ये जो पाँच डबल क्रोशिया है इस चेन को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये इस डबल क्रोशिया का है और ये देखिए यहाँ से एक दो तीन चार पाँच तो ये पहले चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे हाफ देखिए इस तरह से धागा लेंगे एक दो तीन चेन छोड़ेंगे और फोर्थ चेन में हम फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाकर इसे कंप्लीट करेंगे एक दो चेन लेंगे धागा लेंगे फिर ये तीन चेन है यहाँ पर हम दो बार डबल क्रोशिया सॉरी पांच बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बन गया दो तीन चार पाँच पाँच बार बन गया फिर हम दो चेन लेंगे और यहाँ पर पांच डबल क्रोशिया के ऊपर हम हाफ़ डबल क्रोशिया फिर एक दो तीन चेन छोड़ेंगे फोर्थ चेन में हम हाफ फिफ्थ चेन में हम हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इन्हें हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे एक दो चेन लेंगे फिर हम यहाँ पर पांच बार डबल क्रोशिया बनाएंगे तो देखिए इस तरह से इस तरह से बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे हम वी के अंदर पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे और पांच डबल क्रोशिया के ऊपर हम ये वाली वी बनाएंगे और राउंड कंप्लीट करेंगे देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है हम यहाँ पर ये पांच डबल क्रोशिया बना रहे थे फिर हमने यहाँ पर पांच डबल क्रोशिया बनाया है फिर उसके ऊपर भी हमने पांच डबल क्रोशिया बनाया अब हम इसमें धागा लेंगे और यहाँ पर हम पांच डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें हम कोई भी चेन नहीं बनाएंगे क्योंकि हम ये सेकंड राउंड बना रहे हैं यहाँ सेकंड राउंड में हमने यहाँ पर कोई भी चेन नहीं ली थी तो अब भी हम यहाँ पर नहीं लेंगे और पांच डबल क्रोशिया के ऊपर हम पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार बनाया फिर से बनाएंगे दो तीन चार पाँच देखिए ये पाँच डबल क्रोशिया हमने बना लिया है अब हम इसमें चेन नहीं बनाएंगे और धागा लेंगे इस वी के देखिए वी के नीचे से यहाँ से हम क्रोशिया हुक डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए इस तरह से एक दो तीन चेन लेंगे धागा लेंगे और फिर से हम यहीं से एक बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे ये इस तरह से एक सॉरी यहाँ पर हम चेन नहीं लेंगे धागा लेंगे और पांच डबल क्रोशिया के ऊपर हम पांच बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार बनाया फिर से बनाएंगे ये दो हो जाएंगे फिर से बनाएंगे तीन चार पाँच देखिए हमने पांच डबल क्रोशिया बना लिया है इसके बाद देखिए हम ये रो कंप्लीट करेंगे और हम हर बार ये दो रो हम बार बार रिपीट करेंगे देखिए इस तरह से वी के ऊपर हम पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे जिसमें हमारा ये पैटर्न बनेगा और इस पैटर्न के ऊपर हम इस तरह से वी बनाएंगे और हम ये बनाकर इसकी लेंथ कंप्लीट करेंगे फिर आपको आगे दिखाएंगे कि बनने के बाद इसका लुक किस तरह से बनकर आया है हमें सिर्फ ये दो रो ही बार बार रिपीट करनी है एक बार हम वी बनाएंगे, एक बार हम पैटर्न बनाएंगे वी के ऊपर पैटर्न बनाएंगे और पैटर्न के ऊपर हम वी बनाएंगे तो राउंड कंप्लीट करेंगे देखिए लेंथ हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है और हमने यहाँ पर देखिए जो हम ये रो काउंट करेंगे तो ये देखिए हमने कितने बनाए हैं ये जो डबल क्रोशे वाले एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस हमने ये थर्टी फोर रो बनाकर कंप्लीट की है और अगर हम पैटर्न काउंट करें तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ से काउंट करेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ नौ पैटर्न हमने ये बनाए हैं और इस तरह से हमने इसकी लेंथ रखी है तो चलिए अब हम इसके फ्रंट के पार्ट की कटिंग स्टार्ट करेंगे तो देखिए धागा हमारा यहाँ पर है और हम यहाँ से कटिंग करना स्टार्ट करेंगे देखिए धागा हमारा रोंग साइड पे है और यहाँ से हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे ये हमारा लेफ़्ट का पार्ट बनेगा पहले हम लेफ़्ट की कटिंग करना स्टार्ट करेंगे तो पहले हम इसे डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार पाँच पांच पैटर्न हम लेंगे ये हमारे फ्रंट के होंगे क्योंकि हमारे पास ये ट्वेंटी पैटर्न थे तो यहाँ पर हम ये पांच डबल ये पैटर्न है जो हमारे एक दो तीन चार पाँच ये पांच हम फ्रंट के लिए लेंगे और यहाँ पर हम मार्कर लगाएंगे मार्कर के तौर पर हम यहाँ पर धागा बांधेंगे देखिए इस तरह से हम इस धागे को लेंगे और यहाँ पर हम नोट लगाएंगे इस तरह से अब देखिए दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से करेंगे एक दो तीन चार पाँच यहां पर हमारे पाँच हुए हैं तो दूसरा धागा हम यहाँ पर बांधेंगे अब देखिए बैक में हमारे पास यहां से काउंट करेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस पैटर्न हमारे बैक में हो गए हैं अब हम इसमें फ्रंट के पार्ट की कटिंग करेंगे यहाँ पर देखिए पहले हम बटन पट्टी बना लेंगे जिसमें हम पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन टर्न करेंगे और हम यहाँ पर देखिए इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे नेक्स्ट चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे ये दो हो गए फिर नेक्स्ट में बनाएंगे ये तीन फिर से बनाएंगे चार फिर से बनाएंगे पाँच देखिए पांच हमने बना लिया है यहाँ पर देखिए हमने गले की कटिंग करनी है और हम हर बार यहाँ पर पांच डबल क्रोशिया बनाते हैं लेकिन हम यहाँ पर अब तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे जिससे हमारे दो पैटर्न सॉरी दो चेन हमारी कम हो जाएंगी गले की साइड तो हम यहाँ पर बनाएंगे एक दो तीन तीन हमने डबल क्रोशिया बना लिया है पांच बनने थे तो ये दो डबल क्रोशिया हमारे यहाँ पर कम हो गए हैं एक दो चेन लेंगे और देखिए जो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे हाफ फिर से हम लास्ट चेन में देखिए ये हमारा लास्ट है तो यहाँ पर हम फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसे हम देखिए इस तरह से कंप्लीट करेंगे फिर हम यहाँ पर दो चेन लेंगे और धागा लेंगे और इस वी के अंदर हम पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच देखिए इस तरह से अब फिर से हम यहाँ पर वी बनाएंगे, यहाँ पर पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे और बनाते हुए देखिए ये जो हमारा पैटर्न है इससे पहले वाली वी तक हम यहाँ तक बना लेंगे तो बनाकर कंप्लीट करेंगे बनाते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं अब हम इसमें देखिए यहाँ पर हमने दो चेन बना ली है और यहाँ पर हम इस जो हमने ये पांच डबल क्रोशिया बनाया था इन्हें हम स्किप करेंगे आर्म होल की कटिंग के लिए तो यहाँ पर ये हमारे पांच चेन हैं तो इनमें हम पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए यहाँ पर हम धागा लेंगे जो हमारे ये देखिए पहली चेन है वी की इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे अब यहाँ पर हमारे तीन चेन हैं इनमें हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन ये देखिए चार हो गए हमारे एक दो तीन चार एक ये है हमारी चेन इसके अंदर भी हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे और देखिए राउंड हमारा इस तरह से बना अब देखिए अब हम यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे एक दो तीन टर्न करेंगे और पांच डबल क्रोशिया के ऊपर हम पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए इसके अंदर हम नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमने तीन चेन बनाई है एक सॉरी दो हो गए एक हमारी थ्री चेन एक ये डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे तीन फिर से बनाएंगे चार ये हमने बनाए पाँच पाँच हो गए हैं अब देखिए यहाँ पर हम वी के ऊपर वी बनाएंगे पांच डबल क्रोशिया के ऊपर पांच बनाएंगे फिर से वी बनाएंगे इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक आएंगे जहाँ पर हमने ये तीन डबल क्रोशिया बनाया था उसके हम यहाँ पर वी बना लेते हैं फिर आगे आपको बताएंगे देखिए बनाते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर हमारे पास ये तीन डबल क्रोशिया हैं तो हमें यहाँ पर दो चेन स्किप करनी है ये हमारे पांच डबल क्रोशिया हैं तो इनके बाद ये तीन हैं एक दो हम स्किप करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक डब चेन बची है तो इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे धागा लेंगे और हम ये जो हमारे पाँच डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये पांच डबल क्रोशिया बन गया फिर हम दूसरी साइड से भी पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन टर्न करेंगे और पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए अब हमने यहाँ पर ये पांच डबल क्रोशिया बना लिया है अब हमें यहाँ पर फिर से दो चेन कम करने हैं तो यहाँ पर हम पांच बनाएंगे और एक ये हमारा डबल क्रोशिया तो ये छः है तो हम एक इस चेन को स्किप करेंगे और इसके अंदर हम चार बार डबल क्रोशिया बनाएंगे जिससे हमारे यहाँ पर ये दो चेन कम हो जाएंगी धागा लेंगे इस डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे और यहाँ पर हम चार बार बनाएंगे एक दो तीन चार देखिए ये हमने चार बनाई है एक ये पांच बनाने थे एक वो और एक ये ये दो चेन हमने यहाँ पे कम की है आगे पैटर्न हम सेम बनाएंगे यहाँ पर हम वी बनाएंगे यहाँ पर पांच डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम रोंग साइड से आएंगे और वहाँ पर भी बनाते हुए हम ये जो चार डबल क्रोशिया बनाया है यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लेंगे फिर आगे आपको कटिंग बताएंगे देखिए बनाते हुए हम गले के साइड आ गए हैं यहाँ पर ये यह देखिए हमने चार डबल क्रोशिया बनाया था तो यहाँ पर हमें अब दो चेन स्किप करेंगे तो ये जो चार हैं इनमें से हम दो के ऊपर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो ये हमने दो बना लिया है दो छोड़ दिया है फिर हम ये पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच दूसरी साइड से भी हम ये पांच डबल क्रोशिया बना लेंगे देखिए यहाँ पर आ गए हैं ये जो हमने दो चेन बनाई थी सॉरी दो डबल क्रोशिया बनाया था अब हम इन्हें स्किप करेंगे और यहाँ पर हम पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके लिए हम देखिए यहाँ पर एक चेन लेंगे और धागा लेंगे और यहाँ पर हम पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार बना लिया फिर से बनाएंगे दो तीन चार पाँच देखिए इस तरह से पाँच बनाए अब हम यहाँ पर वी बनाएंगे दो चेन लेंगे और वी के ऊपर हम वी बनाएंगे वन डबल क्रोशिया फिर से हाफ डबल क्रोशिया इन्हें हम कंप्लीट करेंगे दो चेन लेंगे और यहाँ पर हम पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर वी बनाएंगे इस तरह से बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे उसके बाद फिर हम पैटर्न के ऊपर सेम पैटर्न बनाते हुए गले की साइड आएंगे जहाँ पर हमने ये पांच डबल क्रोशिया बनाया है तो बना लेते हैं देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है अब हम देखिए यहाँ पर हैं ये यह हमने यहाँ पर चार डबल क्रोशिया की पाँच डबल क्रोशिया बनाया था तो यहाँ पर हम देखिए धागा लेंगे एक दो तीन चार देखिए हमने यहाँ पर चार डबल क्रोशिया बनाया है यहां पर हमने दो चेन स्किप की है एक जो हमने यहाँ पर बनाई थी और एक इस डबल क्रोशिया की तो यहाँ पर हमने दो चेन छोड़ दी है क्योंकि जब हमने ये पैटर्न बनाया था यहाँ से तो यहाँ पर हमारे पास ये छः चेन्स थी एक चेन हमने यहाँ पर ली थी और पांच डबल क्रोशिया तो ये छः हो गए तो जो हम दो चेन छोड़ेंगे तो यहाँ पर हमने छः में से दो छोड़े तो हमने यहाँ पर चार डबल क्रोशिया बना लिया है अब हम कोई भी चेन नहीं लेंगे और ये पाँच डबल क्रोशिया के ऊपर हम पाँच डबल क्रोशिया बनाएंगे और दोनों साइड से हम ये पाँच डबल क्रोशिया बना लेते हैं देखिए अब हम यहाँ पर हैं यहाँ पर हमें दो चेन स्किप करनी है एक दो और यहाँ पर हमारे पास ये दो डबल क्रोशिया बना है बचा हुआ है तो हमें यहाँ पर अब ये वी बनानी है लेकिन यहाँ पर हमारे पास डबल क्रोशिया नहीं है तो इसके लिए हम क्या करेंगे तो देखिए यहाँ पर हम धागा लेंगे और दो चेन स्किप करेंगे एक दो और तीसरी और चौथी चेन के अंदर हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे देखिए इस तरह से अब हम यहाँ पर धागा लेंगे और एक चेन बनाएंगे सॉरी दो दो चेन बनेगी, दो चेन बनाई है और यहाँ पर अब हम पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन चार पांच, पांच बनाया अब हम फिर से दो चेन लेंगे और इसके ऊपर हम वी बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया तीन चेन स्किप करेंगे और फोर्थ चेन में हम फिर से हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट किया दो चेन लेंगे और हम यहाँ पर पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे और फिर दूसरी साइड से भी हम राउंड कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर ये जो दो डबल क्रोशिया हैं यहाँ तक बनाकर राउंड कंप्लीट कर लेते हैं देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है अब हम यहाँ पर आ गए हैं गले की साइड में यहाँ पर अब हम देखिए यहाँ पर हमारे पास ये तीन चेन है इसमें हम किस तरह से बनाएंगे धागा लेंगे यहाँ पर हम पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे एक फिर हम यहाँ पर एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे वी के ऊपर हमने यहाँ पर ये यह दो डबल क्रोशिया बना लिया है धागा लेंगे यहाँ पर हमें वी बनानी थी लेकिन यहाँ पर हमारे चेन हमें कम भी करनी थी तो यहाँ पर हमने ये दो डबल क्रोशिया बनाया है अब हम वी के जो हमारे पांच डबल क्रोशिया है इनके ऊपर हम ये पांच डबल क्रोशिया बना लेंगे ये हम दोनों साइड से बनाएंगे देखिए तीन हमने बना लिए हैं ये चार और एक ये पाँच देखिए इस तरह से अब हम दूसरी साइड से पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए ये पांच डबल क्रोशिया बना लिया है अब हमें यहाँ पर ये दो चेन स्किप करनी है तो यहाँ पर हम ये दो चेन स्किप करेंगे एक दो चेन लेंगे और यहाँ पर हम वी बनाएंगे वन डबल क्रोशिया हाफ में और एक हम यहाँ पर बनाएंगे तीन चेन छोड़ के तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हमने ये दो डबल क्रोशिया छोड़ दिया है अब हम दो चेन और बनाएंगे और एक दो तीन चार और ये पाँच तो पैटर्न सेम बनाएंगे और बनाते हुए दूसरी साइड भी हम इन पांच डबल क्रोशिया के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो हमने पैटर्न बनाया है दो चेन हमने छोड़ी हैं और यहाँ पर हमारे पांच डबल क्रोशिया है अगर हम ये जो दो चेन नहीं बनाएंगे तो इस पैटर्न के भी हमारे ये डबल क्रोशिया कम हो जाएंगे जिससे हमारा पैटर्न ये कटिंग हमारी गलत हो जाएगी तो ये तो दो हमने चेन हर बार जो स्किप करते हैं उसके लिए बनाई है दो ये यहाँ पर पाँच है तो हमें पाँच ही रखने हैं दो हमारी चेन हो गई एक हमने ज्वाइंट किया फिर से हमने दो चेन बनाई तो इसलिए हमने यहाँ पर ये यह दो चेन बनाई है और बनाते हुए पैटर्न हम सेम पैटर्न बनाएंगे और दूसरी साइड से भी बनाकर हम यहाँ पाँच डबल कृषि के ऊपर ले आते हैं देखिए बनाते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं इस वी के अंदर तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पर पाँच चेन है दो तीन चार पाँच पाँच चेन हैं तो अब हमें यहाँ पर दो कम करनी है तो हम वो किस तरह से, से करेंगे पहले हम धागा लेंगे और यहाँ पर हम वन डबल क्रोशिया बनाएंगे तो एक चेन हमारी ये हो गई अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे ये दो हो गया फिर हम यहीं पर एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे तो अब देखिए ये हमने तीन चेन बना ली है देखिए एक दो तीन और धागा लेंगे यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से ये हमारी एक वी बन गई है अब हम दोनों साइड से पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए यहाँ पर हमने बना लिया है दूसरी साइड से भी हम पांच डबल क्रोशिया बना लेंगे देखिए ये हमने बना लिया है अब हमें यहाँ पर देखिए तीन चेन है हमारे पास और तीन में से हमें अब दो कम करने हैं एक दो तीन तीन हैं तो हम एक यहाँ पर कम कर देंगे एक ये और बीच वाले पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे ये हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया यहाँ पर हमारी दो चेन कम हो गई अब हम यहाँ पर एक दो चेन लेंगे और आगे ये पैटर्न बनाएंगे उसके लिए यहाँ पर पहले हम हाफ डबल क्रोशिया फिर हम हाफ डबल क्रोशिया इन्हें हम एक साथ कंप्लीट करेंगे दो चेन लेंगे और यहाँ पर हम पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे तो देखिए इस पैटर्न को हम सेम ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे। यहाँ पर पांच डबल क्रोशिया यहाँ पर वी और पांच डबल क्रोशिया के ऊपर पांच डबल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे इस वी तक तो बना लेते हैं देखिए बना लिया है और अब हम गले की साइड में आ गए हैं और यहाँ पर जो ये हमने वन डबल क्रोशिया बनाया था इसे हम स्किप करेंगे ये हमने वन डबल क्रोशिया बनाया था और दो चेन ये हैं तो यहाँ पर हमारे पास इस टाइम तीन चेन है और हमें दो चेन कम करनी है उसके लिए हम अब हम यहाँ पर एक चेन बना लेंगे धागा लेंगे और हम यहाँ पर पाँच डबल क्रोशिया के ऊपर पाँच डबल क्रोशिया बनाएंगे तो देखिए इस तरह से ये हमारे गले की कम कटिंग कंप्लीट हो गई है अब हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है अब हम इसमें देखिए इस तरह से ये हमारी कटिंग हुई है अब हम इसकी आर्म होल की लेंथ कंप्लीट होने तक ये पैटर्न बनाएंगे हमारे पास देखिए अब ये तीन पैटर्न बचे हैं एक दो तीन और इन्हीं तीन पैटर्न की हम लेंथ कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आपको इसका लुक दिखाएंगे कि ये बनने के बाद कैसा आया है तो हम बनाकर इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं देखिए इस तरह से अब हमारा ये आर्म होल बनकर कंप्लीट हो गया है हमने इसमें इसकी लेंथ कंप्लीट की है यहाँ पर हमने अगर पैटर्न काउंट करें तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस बनाए हैं अगर हम ये वाले फ्लावर पैटर्न काउंट करेंगे तो हमने ये पांच बनाए हैं पांच हमने ये बनाए हैं पांच हमने ये वाले बनाए हैं तो इस तरह से हमने इसकी लेंथ कंप्लीट की है अगर हम देखें इस तरह से देखेंगे तो हमारी ये लेंथ लंबी लगेगी लेकिन जब हम आर्म होल बनाएंगे तो उससे हमारी ये लेंथ छोटी हो जाएगी और हमारा ये परफेक्ट आर्म होल बनेगा और अब हम देखें फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आपको इसमें राइट का पार्ट बनाना बताएंगे और बैक का पार्ट बनाना बताएंगे और नीचे हम किस तरह से इस पर किनारी बनाएंगे और गले पर हम किनारे बनाना सीखेंगे कि वो हम किस तरह से बनाएंगे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू